छात्रों एएसपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूप सिंह जेवलिया, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। आज हम कक्षा 9 के सेमोसी प्रथम भाग के अष्टम पाठ जटायु सौर्यम के अभ्यास के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। छात्रों पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। आयत लोचना का अस्थि बड़े नेत्रों वाली कौन है? कौन है? सीता, वेदही भी बोलते हैं इसको। सा कम दैद्रस, उसने किसको देखा? किसने? सीता ने वहां किसको देखा? जटायु। जटायु को देखा। खगो उत्तम किद्रसम गिरम व्याजहार, पक्षी श्रेष्ठ ने कैसी वाणी कही? शुभाम, शुभ वचन कही थे। जटायु का भ्याम रावण से गात्रे वर्णम चकार, जटायु ने किससे रावण के शरीर पर घाव कर दिए? का भ्याम द्वितीय है तो दो चीजों से किया है, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम से। अरिंदम खगाधिपय कति बहोन व्यपहारत, शत्रु का दमन करने वाले पक्षी श्रेष्ठ जायु ने कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया? 10। दूसरा प्रश्न है, अथो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लेखक जटायो पस्से इति का वदती। तो जटायु पस्से इति का की जगह लिखेंगे हम सीता, वदती ये आगे लिख देंगे, इसकी जगह सीता लिख। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? इसको जटायु रावण कथयति यत् परदार है इस प्रसात निजाम मतिम निवार्यत, प्राय स्त्री के स्पर्श से नीच बुद्धि को रोको, धीरे पुरुष है नेच क्रम कदापि न करोति। क्रोध वसात रावणम किम कर्तुम उदते अभवत, क्रोध के वश में रावण क्या करने को तैयार होता है? तो क्रोध वशात रावण जटायुम हंतुम उदते अभवत,
जटायु उपरी या जटायु होम अंतुम उदत एवहत, ये लिखेंगे इसके आगे आगे ये लिख दें, जटायु हंतुम उदत है, जटायु क्या है, मारने के लिए तैयार होता है। पतगेश्वर रावण से किदृशम चापम ससरम बभज, पक्षश्रेष्ठ रावण के कैसे चाप धनुष बाण को तोड़ता है, तो मुक्ता मणि युक्तम, मोती और मणियों से युक्त उसको तोड़ना चाहता है। जटायु केन बाम बाहुन दसद्धि, जटायु बाई भुजाए किससे उखाड़ते हैं, तुंडेन, इसकी जगह केन की जगह तुंडेन लिखे, ये वाक्य लिखे। उदाहरणम अनुसृत्य ऋणी प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानी रचियत, इसमें इन बचता है और नपुंसक लिंग में गुणिन है और उसका गुण प्लस इनी गुणिन गुणी गुणवान, दान इणिनी दानिन दानी, कवच कवचिन, कवची विशेषण कवची हो जाएगा, सरका सरिन सरी, कुशल का कुशलन, कुशली, धन का धनीन, धनी, दंड का दंडीन, दंडी, रावण से जटायु से विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखतानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखते, रावण और जटायु के जो विशेषण है वो सम्मिलित रूप से लिखे हैं, उनको पृथक पृथक करके लिखो। तो ये युवा रावण के हैं, सहसर रावण के हैं, अतासव रावण के हैं, बघन धनवा है, क्रोध मूर्छित है, सरत कवची और सरी है, वृद्ध महाबल, पतकस्तम महाग्रंद, खगाधीप, पतगेश्वर, ये जटायु के हैं। कह स्तंभे लिखता नाम पदानाम पर्यायः कह स्तंभे लिखता तान समक्षम योजयत, कह स्तंभ में जो शब्द दिए हैं उनका पर्यायवाची इधर है, कवची कवचधारी, आसु शीघ्र, वीरथ रथहीन, पपात अपतत, भुवि पृथ्व्याम, पतकस्तम पक्षी श्रेष्ठ, अधोलिखता नाम पदानाम विलोम पदानी मंजुषाया दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत, इनमें विलोम शब्द को लिखना है, विलंपति विलाप करती हुई है
असंति। आर्य अनार्य, राक्षसेन्द्रेण देवेन्द्रेण, राक्षसेन्द्रेण देवेन्द्रेण देवेन्द्र, पाप कर्मणा पुण्य कर्मणा, क्षिप्रम क्षिप्रम शिगर मंदम, विघ्रियत प्रशंसित, निंदा करते प्रशंसा करते, वृद्ध युवा, वामेन दक्षिणेन, अतिक्रमे अनअतिक्रमे, छठा प्रश्न है, अधोलिखता नाम विशेषण पदानि प्रयोज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। शुभाम जटायु शुभाम गिरम कथक, शुभाम क्या है, शुभ, खगाधीप, खगाधीप जटायु अस्ति, हत सारथी रावण हत सारथी अभवत, वामेन अहम वामेन हस्तेन लिखामि, कवची रावण कवची आसित, कवच पहने हुआ था। इन्हीं शब्दों का हम उपयोग करके कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ये इनके अलावा भी हम कर सकते हैं। उदाहरण अनुसरते समस्त पदम रचियत यथा, जैसे त्रयाणाम लोकानाम समारह त्रिलोकी, ये दिव्य समास है, पंचवटानाम पंचवटी, सप्तानाम पदानाम सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम अष्टभुजी, चतुर्णाम मुखानाम चतुर्मुखी। तो छात्रों, ये हमारा आज का पाठ है वो समाप्त हुआ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।